दोस्तों अभी तक की अपडेट है ये कि यहाँ पर हम स्टिक भूल के वेलकम टू शिवासल व्लॉग्स अगेन दोस्तों, और ये है पार्ट टू हमारी कसौल वाली वीडियो का। तो इस वीडियो में हम जाएंगे खीरगंगा का ट्रैक करने और रास्ते में कवर करेंगे मणिकरण को भी, क्योंकि वो ऑन द वे पड़ता है। तो दोस्तों आज का हमारा दिन शुरू हुआ अपनी सेल्फी स्टिक को ढूंढने से, क्योंकि हम एक रेस्टोरेंट में उसे भूल कर आ गए थे। उसके बाद हम करेंगे मणिकरण जी के दर्शन और फिर हम जाएंगे खीरगंगा का ट्रैक करने। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं सारे इवेंट्स। तो दोस्तों अभी तक की अपडेट है ये कि जहाँ पर हम स्टिक भूल के आए थे, उन्होंने बोला कि भैया आप 8-9 बजे आना, तब हम देखते हैं, सारे स्टाफ मेंबर से पता करता है। इससे बनवा ले भाई, तेरे को चाय कॉफी पीनी हो तो बढ़िया। अभी हम जा रहे हैं पार्वती रिवर की तरफ, वहाँ पे घूमते हैं। एंड सबने पहन लिया अपने अपने जैकेट्स, क्योंकि मौसम है काफी ज्यादा ठंडा, अच्छा खासा ठंडा है। एंड आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों यहाँ का बहुत ही प्यारा और खूबसूरत। तो अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे, पहले जाएंगे हम मणिकरण। ये हमारा सेकंड डे है कसौल में। कल हम आए थे शाम को और हमने रात को वहाँ पे सेल्फी स्टिक भूल गए, तो अभी उसी का वेट कर रहे हैं। होटल खुलेगा तो देखते हैं, सेल्फी स्टिक मिल जाए तो बेटर है, वरना फिर हमें अपने किसी लकड़ी पे फोन बांधना पड़ेगा एंड उससे हमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। बाकी अभी निकलेंगे, फिर मणिकरण जाएंगे, खीरगंगा जाएंगे, अनपुरा कवर करेंगे। तो तब तक के लिए सही है, स्टे ट्यून्ड। दोस्तों मैं आया था कसौल 2018 में, और तब इस जगह पे हम बैठ के मतलब गाने गाते, गिटार वगैरह लेके। बट अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस जगह का हाल। ह्यूमन स्पीशीज़ कितनी ज़्यादा डेवेस्टेटिंग हो सकती है नेचर के लिए, आप देखो। मुझे याद है अच्छे तरीके से, हम यहाँ बैठे हुए गाने गा रहे थे गिटार पे सारे यार दोस्त, और भाई साहब ये कितना बुरा हाल कर दिया है यहाँ पे। साइड में पार्वती रिवर जा रही है और सच में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और ये चीज़ कर रखी है, मतलब अब टूरिस्ट आते हैं तो उस वजह से लोड पड़ता है या क्या सीन है। यहाँ पे प्रॉपर डिस्पोज नहीं है गार्बेज का, भाई ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। ये नदियों को पोल्यूशन करेगा और ये डिसकम्पोज तो होने ही नहीं वाला। ये पूरा का पूरा देख रहे हो, ये पूरी प्लास्टिक का चट्टा है इतना बड़ा। और ये देखो कितने सही वुड्स हैं, फॉरेस्ट हैं, बट ये चीज़ तो भाई साहब बहुत ही बेकार है यार। इनको ज़रूर से जल्दी से सोचना चाहिए, और एज अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट आप लोगों को भी कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। सो दोस्तों ये कूड़ा देखते हुए यहाँ पर मैं एक आंटी जी से मिला जो यहाँ की लोकल है। तो आंटी जी भी यही बता रही है कि यहाँ पे लोकल जितने भी होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उन सब का ये कूड़ा यहाँ पे आके डाल देते हैं, और कुछ ऐसी लोकेशन नहीं स्पेसिफिक है जहाँ पर वो उसको डिस्पोज कर सके, जला सके। तो अभी थोड़ा सा हम आंटी जी से समझते हैं। तो आंटी जी आप प्लीज़ बताइए कि मतलब ये कूड़ा कहाँ से आ रहा है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है आपके हिसाब से? ये रेस्टोरेंट से, ढाबा से, होटल से जो भेज रहे हैं यहाँ दे रहे हैं। हाँ जी। लेकिन अभी थोड़ा मीटिंग होगी तो नहीं फेंकना बोल रहे हैं, अब नदी में फेंक रहे हैं सारे। तो यहाँ के जो मीटिंग हुई है उसमें, अच्छा रात को फेंकते हैं? रात को फेंक रहे हैं नदी में, जितना यहाँ है ना। हाँ जी। उतना जाएगा नदी में तो अच्छा नहीं होगा फिर। वो तो है ही है, नदियाँ खराब हो रही है, नदियाँ खराब हो जाएगी। तो इसलिए कोई गवर्नमेंट कुछ करना था इसका। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, गवर्नमेंट देंगे तो तब हम मीटिंग करके वो उस हिसाब से। तो यहाँ के जो लोकल आपके क्या प्रधान होते हैं गांव के, या क्या हैं जो मतलब हेड है यहाँ के? प्रधान है इसके, मतलब पंचायत वाले प्रधान हैं। पंचायत वाले प्रधान हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि मत फेंको? ऐसे बोल रहे हैं अभी ना, जो जब तक यहाँ गवर्नमेंट नहीं बताएंगे कहाँ फेंकना है, तब तक यहाँ फेंकना मत हो। फेंकना तो फेंको बोलते हैं ना, लेकिन जो फेंकने वाला है वो नहीं मांग रहे हैं, तो पैसा नहीं दे रहे उनको। जो आप अभी खुद जा रहे हैं, आप अपने जो घर के लोग नदियाँ फेंकने जा रहे हैं रात को। अच्छा, रात को फेंक के चले जाते हैं? हाँ, रात को देखो अभी रास्ते में भी फेंका हुआ, सही बात है, हमारे आगे देखोगे रास्ते में भी फेंका हुआ, यहाँ भी फेंका हुआ, इतना बड़ा काला वो बड़ा बैग। बताओ आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे?
हम मैं तो हो गई अभी 2 साल रही 60 के होने को अभी। अच्छा इतनी बुरी हो गई अभी। सही बात है। लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। हाँ जी। फिर टूरिस्ट नहीं आएंगे तो हम किस जिगारा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास नौकरी नहीं है, गरीब आदमी है, खेती नहीं है, है ना। सही बात है। तो दोस्तों मैं तो यही गुजारिश करूँगा और टैग करूँगा यहाँ की गवर्नमेंट को इस वीडियो में, और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप इस पर ज़रूर से कोई स्टेप लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा कूड़ा तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो आप ज़रूर से इसके बारे में ज़रूर से सोचिएगा और इसके बारे में इस वीडियो को ज़रूर फैलाइएगा आगे। तो इतना ज़्यादा गंदा कूड़ा देखने के बाद हम थोड़ा आगे चले और फाइनली मदर नेचर ने हमें वही चीज़ दिखाई जो देखना हम यहाँ पे जो जिसे देखने के लिए हम यहाँ पर आए थे, वो है ट्रीज एंड बहुत ही प्यारा यहाँ पे एक छोटा सा झरना है और नदी बह रही है। तो वो देखते हैं। ये बैठे अपने डांगी साहब। तो आप सुन सकते हो लाइक कितना ज़्यादा मतलब एकदम शांत सा माहौल है और कितना प्यारा लगेगा, मैं आपको भी दिखाता हूँ सामने से। Finally, inner peace. वाओ, ये देखो दोस्तों क्या जन्नत है यार। हमारी कल सेल्फी स्टिक मिलेगा तुझे, नकली हो गई थी, कल हुई थी गुम, पर हमें पता आज चला रहा, सुबह चला मैं। तो उसके बाद क्या हुआ उसकी स्टोरी है ये संवाददाता संवाददाता करण। सो बेसिकली क्या हुआ कि हमारी होगी सेल्फी स्टिक गुम, हमने होटल में जाके काफ़ी कुछ किया, सीसीटीवी कैमरा वगैरह चेक किए, बट उसमें लाइक अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे नहीं मिला। ठीक है, मतलब बंदा दिख भी रहा है कि उठाता हुआ, बट उसने मुकर गया। चलो क्या मैंने गालियाँ तो खानी है घर पे तो, लेकिन खीरगंगा को रिकॉर्ड करने के लिए हमने एक जादू स्टिक लिया 100 रुपए की और 150 रुपए की बोल ली थी हमने, थोड़ा बार्गेन अच्छा करता है आपका भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो हमने बार्गेन करके 120 में लिया। तो अभी जाएंगे खीरगंगा से, इसको रिकॉर्ड करेंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी पहले कुछ खा लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का ट्रैक और आज का दिन मणिकरण वगैरह का। और अभी हमें कसौल के बस स्टैंड पे। तो दोस्तों शुरू हो चुका है हमारा सफर एंड अभी हम जा रहे हैं मणिकरण की तरफ और वहाँ से फिर आगे जाएंगे खीरगंगा। तो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं हम मणिकरण। तो कसौल से ये हार्डली 5-10 मिनट की ड्राइव पर भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा पास है। तो अभी हम लगा रहे हैं अपनी गाड़ी और फिर आपको दिखाते हैं मणिकरण का व्यू। भाई साहब अल्टीमेट यार, ये देखो दोस्तों खड़ा हिमालय सा पहाड़ है, यहाँ क्या बोलता है यमुना लहराती है, भारत कितना प्यारा है। सच में भाई भारत बहुत प्यारा, इतना सुंदर लग रहा है। तो अभी अपन जा रहे हैं गुरुद्वारे की तरफ, तो वो भी हम अभी आपको दिखाएंगे यहाँ से थोड़ा थोड़ा। आप देख सकते हैं कि दैट इज़ द कुंड जो आपको दिख रहा है जस्ट राइट देयर। बहुत ही ज़्यादा गर्म पानी है, बहुत ही ज़्यादा। यह दोस्तों यहाँ पे मेन टेंपल, और भाई साहब भाप देख रहे हो आप कितना गर्म है यार, इट्स रियली रियली हॉट। और भोलेनाथ जी अल्टीमेट क्या लग रहे हैं, लुक एट द स्टैचू, कितना प्यारा लग रहा है भोलेनाथ जी का स्टैचू, एकदम गजब। यह है गर्म पानी का कुंड जहाँ पे मटके रखे हैं, मटके में खाना बन रहा है। ओम नमो हिरण्यबाहवे हिरण्यवर्णाय हिरण्यरूपाय हिरण्यपतये अम्बिकापतये उमापतये पशुपतये नमो नमः। शायद आपको मेरी आवाज़ कम आ रही हो क्योंकि यहाँ पे जो पानी है ना
वो इतनी ज्यादा उफान पे चल रहा है। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में दर्शन करने मणिकरण साहिब के। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे। तो दोस्तों अभी कर लिए हमने दर्शन मणिकरण में अपने भोलेनाथ जी के और गुरुद्वारे के, तो फटाफट निकलते हैं खीर गंगा के लिए। और टाइम हो चुका है 12 बज चुके हैं भाई, तो 12 बज चुके हैं, फटाफट निकलते हैं। दोस्तों अभी ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे खीर गंगा की, और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी छोटी वाली सेल्फी स्टिक्स पे जो हमने कसौल की मार्केट से ली थी। तो अभी आपको दिखाएंगे पूरा का पूरा प्योर जंगल, अल्टीमेट वाइब्स वाला। तो अभी चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता। ये हो गया स्टार्ट दोस्तों खीर गंगा का ट्रैक, और यहाँ पे देखो आप कितना ज़्यादा मतलब कीचड़ हो रहा है एंड हल्की हल्की अभी बारिश भी पड़ रही है। तो ये पहले के कुछ स्टेप्स है जो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग और एग्जॉस्टिंग होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी एकदम से यू नो ट्रैकिंग का वो समझ रही होती है, अल्टीट्यूड और प्रेशर ले रही होती है। अच्छा हमको सिखा रहा है। बाकी व्यू देखो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट, चेक दिस आउट। तो दोस्तों अभी हमने लिए हैं सेब यहाँ के लोकल आंटी जी से, और खा लेते हैं थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं, क्योंकि ये मजबूल है। अभी हमने लोकल पेड़ों से तोड़े हैं चोरी जी पे ऐसे। नहीं हम चोरी नहीं करते, हम अच्छा एग्जांपल सेट करते हैं, हमने खरीदे हैं बकायदा पैसे देकर। शाबाश। हल्की हल्की हो रही है बारिश। चबरू सो कुत्ता हमारे साथ चल दिया ट्रैकिंग पे, हम तो जबरू के साथ करेंगे ब्लॉगिंग। यू माय बॉय, गुड बॉय। तो हमारे साथ चल दिया जबरू, चलो भाई चलो, गुड बॉय जबरू, नाइस, मार्क योर टेरिटरी, असे जंगल तेरा। ये देखो गाइस व्यूज, और ये आगे दूसरी टेरिटरी के राजा। हेलो बड़ी, बारिश की वजह से और इवन जानवरों की वजह से जैसे घोड़े बकरी भेड़ वगैरह चलती हैं तो कीचड़ कर देती हैं, देखो कितना, तो वैसा ही है बट अमेजिंग है ये वाले व्यूज। देखो भाई देखो, गजब अलग ही है। यहाँ पे शायद आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो जंगल वाली जो टिपिकल आवाज़ होती है ना वो आ रही है, एकदम अलग अलग जानवरों की ची 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 वाली, तो वो आ रही है। तो अभी हो चुके हैं टाइम दोपहर ध्यान से भाई, या काटे वाला पेड़ है। क्या टाइम हो रहा है विवेक? 2 बज गया ना भाई? 2 तो कब के बज लिए, 3 शुरू हो गए, 3 बज गया। अभी हम वेट कर रहे हैं अपने बड़ी के लिए, हमारा जबरू पीछे रह गया था। कम ऑन बॉय, आजा 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 आजा, कम ऑन, गुड बॉय गुड बॉय। रह गया और यहाँ पे हीरो की एंट्री लेट होते हुए, लेकिन बड़ा बड़ा अंत वाला तो सब जल्दी 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 आजा, ये आ गया अपना जल्दी, ये जो कोई छोड़ के चला गया, एंटरटेनमेंट का पहाड़ी रूप। आ जल्दी आजा आजा, चल भाई पूरा कीचड़ हो रहा है क्योंकि बारिश है, और बीच बीच में यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, वाटरफॉल्स भी आते हैं छोटे छोटे से। तो अभी जबरू हमारा गाइड हमें लेके जा रहा है खीर गंगा सेफली, और यहाँ का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा हम इंजॉय करते हुए आगे बढ़े जा रहे हैं। दोस्तों एक गाना हो जाए फिर, भोले रहते बम 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 भोले। मेरे हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे। जय हो ओ भोले, ख्याल रखिए मेरा यार तेरे भरोसे है। क्या बात है, ये देखो दोस्तों अल्टीमेट ट्रैक, बारिश हो चुकी है, चालू। जादू 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 जादू
दोस्तों हमने पहन लिए अपने रेनकोट और हम जा रहे हैं कोरोना का टीकाकरण करने। बारिश हो रही है क्योंकि बहुत तगड़े वाली, और हमारा जबरू ऐसी चल रही है, हम थोड़ी देर बारिश में और हमारा जबरू आ रहा है। क्या हो गया, कहीं नहीं रुकना, निकालो तो फिर पहन लेंगे। ये जादू कपड़े हैं, जादू कसम से। तो अब कवर करते हैं इस जर्नी को, बारिश वाली जर्नी को इन रेनकोट्स के साथ, चलता रहे। हाँ हाँ, यह है दोस्तों यहाँ का बहुत ही डेंजरस और खूबसूरत झरना, और रास्ता कुछ इस हिसाब से है, तो काफ़ी तरीके से चलना पड़ता है, अदरवाइज वहाँ जाओगे सीधा जन्नत में जाओगे विदाउट टिकट। पता नहीं यार कहाँ चला गया। यह रास्ता, यो डांगी जी जा, तू भाई जा, भाई तू भी जा, मैं ही आ जाऊंगा लास्ट में। ब्लॉगर होने का कोई तो फायदा हो, क्यों ब्लॉगर दोस्त होने का। चल भाई चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये है दोस्तों पट्टा जिस पे को हम जाएंगे, और ये देखो भाई क्या तगड़ा झरना यार। बारिश बहुत तेज होगी, वो बंदा हमारा शुभचिंतक था भाई। पिज़्ज़ाओं से गमन का हो रहा मिलन, जादू भाई। बारिश तेज होगी दोस्तों, अब हम पूरे जादू मोड में। तो भाई आपके साथ एक वाक्य शेयर करना चाहता हूँ। तो सिचुएशन क्या बनी, हमने ट्रैक स्टार्ट करा भाई खीर गंगा का, तो जैसे ही हम आधा किलोमीटर चले होंगे तो हमें एक महान पुरुष मिला। महान पुरुष का मैं तो यूं कहूंगा भगवान का ही रूप था हमारे लिए। तो भाई अब हुआ क्या, जैसे ही हमने स्टार्ट करा तो हमें वो मिला, तो उसने बोला कि यार आपको रेनकोट चाहिए। तो मैंने बोला कि यार रेनकोट का तो क्या करेंगे, बारिश बुरिश तो ऐसा सीन है नहीं, मौसम तब तक अच्छा था। तो मैंने कहा भाई रेनकोट का क्या करेंगे। तो फिर मेरे सामने हम तीन दोस्त थे, तो तीन दोस्त थे, तो भाई वो कह रहा कि भाई रेनकोट ले लो, बारिश हो भी सकती है। ये रेनकोट भाई, पहले ये रेनकोट देखो, ये था अपना रेनकोट, ठीक है इधर। अब सीन क्या हुआ, सीन ये हुआ भाई, हमने पहले तो हमारे मन में था मैं क्या रेनकोट लेने यार। तो फिर वो बंदा बोला अगर देख लो आपको चाहिए, तो इवेंचुअली हमारे दिमाग में आया कि चल यार ले लेते हैं। तो कह रहा यार मैंने 200 रुपये का एक खरीदा था, तो आप उससे 100 में ले लो। तो हमने बोला चल यार ले ले, क्या आपका जरूरत पड़ जाए। और भाई सही बता रहा हूँ, जैसे ही हम थोड़ी आगे चले क्योंकि इतनी तेज बारिश होने लगी, तो हमारे लिए तो भगवान का रूप साबित हुआ। अगर ये रेनकोट से नहीं होते ना, हमारे जादू लग रहे जिसमें हम, ये देखो जादू, ये नहीं होते ना भाई, अभी तक ये लत्ते लुत्ते सारे गिल्ले हो जाने थे। बड़ी चीज है हमारे फोन और हमारे माइक, बैग पैक हमारा जिसमें हमारे कपड़े थे, सब चीज गिल्ली हो जाती है। तो भाई उस भाई अगर वो वीडियो देखे कभी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई वैसे तो वो साउथ का लग रहा था, साउथ का ही था है ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। हाँ। और हम भी जाते हुए हम भी किसी को दे देंगे, किसी भाई की मदद करेंगे, उसकी तरह नहीं कि 100 रुपए 100 रुपए में बेचेंगे। मेरे को लगता है वो मार्केटिंग का बंदा था, तो अपनी मार्केटिंग दिखा गया हमें। तो दोस्तों बारिश हो रही है पूरी धमाधम, और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कीचड़ वाला हिसाब किताब हो रखा है। और हमारे साथ ये तीसरा जबरू आ गया अब, तो कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने की। तो अभी हम चले हुए हैं, एंड
अपडेट करते रहेंगे आपको बीच बीच में, जहाँ पे भी मौका मिलेगा। फ़ोन रख लेता हूँ मैं जेब में, क्योंकि अदरवाइज पूरा ख़राब हो जाएगा। सो आपको मिलता है थोड़ी देर के बाद। वैली दिखाता हूँ आपको भाई साहब, सब कुछ हरा भरा, अल्टीमेट। और पेड़ देखो भाई, जाइंट ट्रीज, क्या ही है यार, गजब। तो अभी चल रहा है अपना खीर गंगा का ट्रैक, और आप देख सकते हैं भाई कितना ज़्यादा फिसलन भरा, प्लस गीला हो रखा पूरा का पूरा रास्ता। बट एक खूबसूरती और है, जैसे बोलते हैं हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो बारिश का प्रो ये है कि सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा हरी भरी हो चुकी है। क्या बात है भैया, कितने किलो का है भैया ये? खाली भी होगा कितना? 7-8 किलो का तो होगा। खाली 19 के जी है ना? हाँ, 42 किलो। बाप रे, अभी नीचे लेके जा रहे हो आप? अरे बाप रे भाई, खतरनाक भाई। जो पहाड़ी बंदे होते हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इस चीज में। और ये देखो भाई क्या तगड़ा गुफा सी है। यहाँ से हम निकल रहे हैं अभी, और धुंध ही धुंध आ चुकी है आप, क्योंकि बारिश है, माउंटेन्स है, तो भाई पूरी की पूरी ह्यूमिडिटी। हम चल रहे हैं जादू बन के और फटाफट मैं कोशिश करूँगा एक गोप्रो लेने की, ताकि ये बारिश वाले शॉट्स हम मिस ना करें। ओह ये देखो दोस्तों, यहाँ पे गिरा हुआ है पेड़ भाई साहब, ऐसा है नज़ारा यहाँ का। हो लेके भोलेनाथ का नाम, पहुँचते हैं खीर गंगा, जहाँ पे कार्तिकेय जी ने करी थी तपस्या, तो वो भी आपको दिखाएंगे। वहाँ पे वो कुंड भी है गर्म पानी का, तो वहाँ पे जाके नहाएंगे भी। बाकी जगह देखो आप, बहुत ही प्यारी है। तो अभी हम जा रहे हैं, ये वर्षाणी से जा रहे हैं हम खीर गंगा। तो ये जो पड़ता है, दो रास्ते पड़ते हैं खीर गंगा के, एक पड़ता है गांव में से और ये पड़ता है जंगल वाला। तो हम जा रहे हैं जंगल वाले रास्ते की तरफ से, और मैं अपने बडीज़ को भी मिस कर रहा हूँ जो मेरे पूरा ग्रुप है, दोस्त हैं, कज़न्स हैं, सारे हमारे भाई लोग हैं, तो उनको भी मिस कर रहे हैं। बाकी वो वीडियो देखेंगे, खुश होंगे, दोबारा से यादें ताज़ा होंगी उनकी भी। तो ये देखो भाई, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं इतने गजब गजब पेड़ भाई साहब, मदर नेचर। बियर ग्रिल्स तो इनमें से कीड़े ढूंढ ढूंढ के खा लेगा भाई बड़े आराम से, ऐसे पेड़ में से तो कीड़े खाता वो भाई साहब। ये देखो भाई क्या व्यू है यार, अल्टीमेट। बारिश हो रही है ना, तो थोड़ा दिक्कत हो रही है, बट लेकिन मज़ा फुल पावर है। वो देखो, वो सामने कोई गांव है, दूर न जाने कौन सा गांव है। तो दोस्तों यहाँ पे हम रुके हैं दोबारा से अपने नेक्स्ट हॉल्ट के लिए, और वो दिखाता हूँ मैं आपको भाई साहब, चोटी के ऊपर का व्यू अल्टीमेट। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना बहुत सही लग रहा, बहुत ही ज्यादा सही। देख रहे हो आप, देख रहे हो देख रहे हो तो वही है भाई, बहुत ही प्यारा आ रहा है व्यू। और नीचे है अपना पार्वती रिवर, जो कि नीचे बह रही है, क्या बोलते हैं, गलगल करके, खलखल करके जैसे ही बहती है। और वहाँ सामने दूर कोई, क्या बोलते हैं, गवाला अपनी भेड़ बकरी में खच्चर लेके जा रहा है। सो अभी रुके हम यहाँ पे, ये अपनी पार्टी, ये अपनी पूरी पार्टी है, एनर्जी का पावर, एनर्जी का पावर ले गए। तो दोस्तों हमने दोबारा कर दिया अपनी जर्नी कंटिन्यू। बोले रे तेरी बम 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 बोले। तो ये है वैली का व्यू दोस्तों, और क्योंकि स्टिक हो चुकी है गुम सेल्फी स्टिक, तो मैं ज्यादा अच्छे से तो आपको दिखा नहीं पा रही। रुक जा लाडले लाडले, ये देखो भाई क्या खतरनाक हो रहा है यार मेरी ले ये लाडला अपना, और ये अपना वाटरफॉल, और अपा चल रहे हैं भाई खीर गंगा के समिट की तरफ, और मौसम हो रखा है कातल, और ये हो रही है भाई बारिश भाई साहब। ये देखो दोस्तों कितना डेंजरस रास्ता है दोस्तों। यहाँ पे एक अपडेट है कि जो खीर गंगा का ट्रैक है उसके साथ साथ ये रेलिंग भी लगा दी है, तो काफ़ी लोगों के लिए इजी होगा इस ट्रैक को चढ़ना और कंप्लीट करना, क्योंकि पहले ये मतलब नैरो तो है ही रास्ता, और उसके साथ साथ साइड में ही ऐसे पूरे
वैली है तो डेंजरस भी था, बट इस रेलिंग से काफ़ी मैं कहूँगा सपोर्ट मिलेगा लोगों को चढ़ने में, जैसे कि हमें मिल रहा है। और भाई यहाँ देखो नीचे खतरनाक नदी चल रही है पूरी, शायद आपको आवाज़ आ रही हो और बारिश हो रही है। तो हम अपने फ़ोन को दोबारा से बचाते हुए जेब में रख लेते हैं। यह अपना रास्ता और यह अपनी गैंग, जादू, यो जादू, आजा भाई तू भी बेकाबू। तो दोस्तों हमेशा आपको सेफली ही ट्रैक करना चाहिए अपने प्रॉपर गियर के साथ, लाइक आप प्रॉपर अच्छे शूज़ पहनो और ज़्यादा हंसी मजाक में मत लो किसी चीज़ को। तो ये उसी चीज़ का एक रिमाइंडर है। यहाँ पे मिल चुके हैं हमें हमारे पुराने गाइड्स, ये चला झबरू, हमें यहीं पे मिला, ये आगे निकल गया था। तो अभी ये चल रहा है हमें लेके खीर गंगा के रास्ते पर। एक ऐसा वाक्य भी हुआ जहाँ पे दो रास्ते निकल रहे थे, तो हमने झबरू का पीछा किया और वो हमें सही रास्ते पे लेके आ गया, तो मज़ा आ गया। अच्छा दोस्तों बताओ, देयर इज अ क्विज फॉर यू, सबसे प्यारा बच्चा कौन है? ये अरे बहुत प्यारा बच्चा, गुड बॉय। बहुत सारे डॉग्स हैं यहाँ पे हमारे साथ आ चुके हैं, और अभी वैसे हम पहुँच चुके हैं एक झरने के पास जो कि खीर गंगा का सबसे बड़ा झरना है। आपको शायद मेरी आवाज़ कम आ रही होगी, तो मैं अभी आपको झरना दिखाता हूँ। और ये अपनी सेना सारे बैठे हुए हैं, चार पांच कुत्ते हैं जो साथ में आए हुए हैं, तो अभी आपको झरना दिखाता हूँ। दोस्तों ये है लकड़ी का पुल, इसको पार करके हमने जाना है उधर। तो बारिश तो हो ही रही है जैसा आपने देखा कंटिन्यूसली, बट ओए आया जब भी आया ले यहाँ पे डॉग फाइट होते हुए। तो भाई झरना देखो यार, कैसे फुल पावर चल रहा है, अल्टीमेट देख रहे हो कहाँ से आ रहा है, ओह वहाँ से आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है नीचे पानी में, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ अपने फ़ोन को रिस्क में लेके। ओ भाई साहब वो देखो यार क्या खतरनाक वैली है, अल्टीमेट भाई साहब झरना इतना तेज़ है, इतना तेज़ है। तो मेरी तो आवाज़ कम ही आ रही होगी, बाकी ये है अपना एरिया और ये जा रहा है पानी नीचे, ये बारिश। हर किसी को एक मन होता ना कि यार इस जगह का व्यू कैसा होगा या इस जगह का एक्सपीरियंस कैसा होगा, सपोज़ करो विंटर्स में या फिर स्नोफॉल के टाइम पे या समर्स के टाइम पे। तो वही है, मैं पहले आया था यहाँ पे उस टाइम पे समर्स थे तो बारिश वगैरह तो थी नहीं, बट आज हमने यहाँ पे बारिश का भी मज़ा ले लिया, तो बारिश का मज़ा भी बहुत अल्टीमेट है। यह है पूरा पीछे रास्ता, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस है। एंड एक ख्वाहिश है कि लाइव स्नोफॉल दिख जाए, तो भाई साहब मज़ा आ जाए ज़िंदगी का फुल पावर। तो बस वो भी अभी ट्रैवलिंग स्टार्ट कर ही रखी है, तो वो भी मालिक करेंगे भोलेनाथ जी, जल्दी देखेंगे अपना लाइव स्नो भी। और देखते हैं शायद नेक्स्ट ट्रैक अपना केदारनाथ का बने, तो बाबा केदार के भी दर्शन करेंगे। ये देखो आगे लैंड्स क्या बोलते हैं इसको बोलता है पेड़ गिरना, लैंडस्लाइड तो नहीं है बट पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे तूफान में या कैसे कुछ। तो भाई साहब ये ऐसा कुछ है ऊपर का नज़ारा, और फोन बीत चुका अच्छा खासा, तो इसको मैं रख लेता हूँ दोबारा से जेब में और इसको कर लेते हैं हम पार। म्यूजिक दे पहले डुम डुम चिक्की चिक्की डुम डुम चिक्की चिक्की डुम डुम चिक्की चिक्की चिक। तू राजा की राज दुलारी, मैं शर्फ लंगोटे आला सू, बांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आला सू। तू राजा की राज दुलारी, मैं शर्फ लंगोटे आला सू, बांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सू। तू राजा की कोयल से ओहो मारे
एक भी दासी दास नहीं। क्या बात है, साल तू साले ओढ़ने वाली मारे कंबल तक भी पास नहीं। ओहे तन्ने जुल्फा आला छोरा चाहिए, जुल्फा आला छोरा चाहिए, मारे एक भी बाल नहीं, लंबे चोटे आला सुनू। अच्छा भांग रगड़ के पिया पिया करू, कुंडी सोटे आला सुनू, राजा की राज दुलारी में सिर्फ लंगोटे आला सुनू, भांग रगड़ के पिया करू मैं, कुंडी सोटे आला सुनू। क्या बात है भाई। दोस्तों आपको दिखाता हूँ सीन, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना वहाँ क्या सीन है, वो सीन दिखाता हूँ। ये देखो भाई, जैसे हम कसौली गए थे ना लास्ट टूर में, वहाँ हो रही थी की पूरी ओस, तो ऐसा हो रहा है। बाकी हम अभी पहुँच चुके हैं इधर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ट्रैकिंग हो चुकी है दोबारा शुरू एंड बारिश भी रुक चुकी है। सो दोस्तों ये है एक यहाँ पे खीर गंगा का बहुत ही अमेजिंग फोटो खिंचाने वाला पॉइंट। ये देखो भाई अल्टीमेट जगह। क्या बात है। और यहाँ पे आती हुई हिमेश रेशमिया की आत्मा भाई में, अमेजिंग। ओए होए क्या बात है। ऐसा कोई दिन ना आए। और यहाँ पे सभी दोस्तों को अपनी एक्सेस याद आती हुई। हुण तेनू ओदे कोलो मोड़ना है मैं, ओ अम्मी मेरी, लव यू मॉम, ओ अम्मी मेरी, अम्मी मेरी, तू दस केड़ा तारा हुण तोड़ना है मैं। दोस्तों अभी हमने सोचा कि यार यहाँ पे अंताक्षरी गाते हुए चलते हैं, रास्ता भी कट जाएगा। ओ भाई साहब ये भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो भाई लोग क्या गजब ही चीज़ है। और यहाँ से ये पूरा ऐसे ऊपर को है, ओह ऊपर तक वैसे, और यहाँ से ये नीचे है ऐसे गजब। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अंताक्षरी, बट पहले कर लेते हैं इसको पार। चलो जी दम मारो दम, चंग 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 मिट जाएगा गम, चंग चंग बोलो सुबह शाम, अरे कृष्णा हरे राम माँ से गा दे भाई। चलो जी भाई, भाई का नंबर आया अब माँ से। ठीक है भाई गाना हो गया शुरू। मेरे महबूब कयामत होती आज रुसवा तेरी गलियों में, मोहब्बत होगी तेरी नजरें तो गिला करती हैं, मेरे दिल को तुझे से शिकायत होगी। चलो भाई बोलो कर, चलो किसे ए आई यू है नबी ऐसे शुरू दे गाना ऐसे उठा दे कैसे हम ब्रम हम ब्रा हम बे आई नम 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 दा। चलो के चतुर नाद तो यार मेरे मन के द्वार में घुसत जात, मन दिल तजक दिया रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, मन दिल तजक दिया, मन दिल तजक दिया। ये हमारा भाई, ये हमारा भाई पीछे वाला है, पीएचडी कर रखी उसने अंताक्षरी में। गाना सुनो भाई इसका, सुना भाई अगली लाइन की है, पहले इसकी तो सोच लो। वो तो गा देंगे, तू स्टार्ट तो कर, बताओ तो मुझे कुछ नहीं पता। आइए आपका दोस्तों यहाँ से है अपना खीर गंगा का समिट 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, तो अभी चलते हैं। जिस दिन भाई तेरे 10-1 लाख रुपए हो जाए ना, हाँ उस दिन बताइए, उस दिन फिर वही वाले टूर पे चलेंगे। कौन से वाले? वन इन अ लाइफ टाइम वाला। अच्छा लंदन। दोस्तों हमने प्लान बना लिया, हाँ
कि अब हम इंडिया तो घूमेंगे ही, इंडिया के बाद आप निकलेंगे वर्ल्ड टूर पे, रोड टू लंदन पे। तो तब तक के लिए अपने डांगी साहब भी आ जाएंगे यूट्यूब पर और अपन दोनों करेंगे ट्रैवल। बाकी रास्ता देखो यार कितना सही है, शाम होती जा रही है और हल्का हल्का धुआं और अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। तो अभी कोशिश यही है फटाफट पहुँचे और फिर वहाँ पे जाके देखते हैं टेंट, टेंट करते हैं जुगाड़, टेंट लेंगे कहीं पे। हम जाके इस पत्थर पे थोड़ा विश्राम करते हैं और उसके साथ फिर हम विचार विमर्श करेंगे कि भोजन में क्या ग्रहण करें। तो अभी चलते हैं इस पत्थर की तरफ। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं थोड़ा और ऊपर जहाँ पर है मंदिर और नहाने का है कुंड। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं हम गर्म कुंड के पानी में और यहाँ पे लेते हैं फटाफट बाथ और मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। ये देखो भाई अल्टीमेट, भाई साहब पता नहीं चल रहा पहाड़ कहाँ ख़त्म हो रहा है कहाँ शुरू हो रहा है, एक नंबर चीज़ है भाई। वाह जी वाह। मतलब सारे में धुंध ही धुंध है, पूरी धुंध और ऊपर से ये गर्म पानी यार, मतलब जिसका कोई हम कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:44 और हम गर्म पानी के कुंड में नहाकर अपना भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर और अब देखते हैं नीचे डिसेंड कर रहे हैं, मतलब वापस नीचे जा रहे हैं। तो थोड़ा एडवेंचरस है और अंधेरा भी है, बट ये है कि टाइमली हम अपना कसौल पहुंच के प्रॉपरली रेस्ट करेंगे और फिर अर्ली मॉर्निंग कल सुबह निकलेंगे घर के लिए। तो ये है यहाँ पे सामने का व्यू एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, ऐसा लग रहा है जैसे पूरी की पूरी ये बर्फ़ है। तो ये मैं आपको पक्का 10वीं बार दिखा रहा हूँ यहाँ का व्यू, इतना अमेजिंग है। तो मेरे लिए भी एक मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो अभी हम फिर जैसा मैंने बताया हम जाएंगे नीचे, तो देखते हैं फिर अभी का वीडियो यहाँ पर ही एंड करते हैं इसको, खीर गंगा के ट्रैकिंग को। तो काफ़ी अमेजिंग था, लाइक काफ़ी अच्छा हाइक था और बारिश का एक्सपीरियंस रहा तो बहुत मज़ा आया। एंड अगेन लाइक देखते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक कहाँ का रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच और इस व्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस साइड शिवा असल एंड हर हर महादेव, हर हर महादेव, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं अपना वापस कसौल के लिए, खीर गंगा के लिए। पापा का नाम लेके निकल पड़े हैं। सही बात पापा है, पापा अपने साथ हैं। बस दोस्तों अभी हम जा रहे हैं क्या बोलते हैं बरसाणी की तरफ और हमारा प्लान बन गया था रात को ही खीर गंगा से वापस आने का। तो अभी हमने आधे से सिस्टम हैंग कर दिए, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कर दिया कवर और अब रह गए यहाँ से 4 किलोमीटर। तो है तो भाई एडवेंचरस चीज़। बाकी हाँ बाकी दिमाग हो तो बिल्कुल मत करना भाई, ठीक है। और हमारे साथ हैं ये हमारे दो बडीज जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, झरनों में से क्रॉस करवा रहे हैं और अभी चले जा रहे हैं हम। बाकी इसके आगे गाएगा नानू नानू करके बता रहा था बंदा, तो
वहाँ से फिर आपा पहुँचेंगे वर्षाणी। तो मेन चीज़ ये थी कि कल सुबह अपने को जल्दी निकलना था और खीर गंगा हमारा जाने का मेन मोटिव था कि हम स्टार गेजिंग कर सकें, क्योंकि अपने को देखना था तारे रात को। तो बारिश हो रही थी, कुछ है नहीं था हिसाब किताब, तो हमने अपना नहा धोने के बाद वहाँ से सोचा कि चलो भाई नीचे चलते हैं, अपना आराम से गेस्ट हाउस पर सोएंगे। तो अभी बस नीचे जा रहे हैं, बाकी मौसम भी ख़राब था तो स्टार गेजिंग तो क्या ही कर लेते, बाकी देखते हैं महाराज ने जहाँ नेक्स्ट टाइम आएंगे सर्दियों का टाइम पे तब करेंगे स्टार गेजिंग। और अभी ज़ीरो विजिबिलिटी है, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ हम अपने फोन की टॉर्चों से चल रहे हैं। भाई खीर गंगा का घंटा पाट दिया 2.5 घंटे में, 7 बजे चले थे और भाई 9:30 बजे और घुटनों की हालत भी बता दे, घुटने भाई ऐसा लग रहा है जैसे 10,000 स्क्वाट्स मारे हो, घुटने पंजे और 80 खत्म है सिस्टम। दोपहर को गए थे 2-3 बजे कार खुद ब खुद आ जाए, टेस्ला बन के आ जाए। तो दोपहर को गए थे 2-3 बजे और अभी बज रहे हैं 9:30 आ लिए भाई, बाकी फटाफट पहुंचते हैं गेस्ट हाउस, मिलते हैं आपसे वहां पे।